हे गाइस, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। सो फाइनली हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से मेरिट लिस्ट आया है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अपडेट करने के लिए है कि पहली मेरिट लिस्ट पीजी प्रोग्राम के लिए आ गई है। आप सब भी देखिए, इसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, आप यहाँ पर रीड आउट करें तो इन्होंने कहा है कि द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द एडमिशन फीस लेटेस्ट 12 अक्टूबर। आज लिस्ट आती है, 10 अक्टूबर को लिस्ट आती है और 12 अक्टूबर को 11 बजे से पहले आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है बाय सबमिटेड द फीस। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि सेटिस्फाई उसके पास ये सारा क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स हुज नेम अपीयर इन द अनरिजर्व सेलेक्शन लिस्ट दैट इंश्योर द मिनिमम एलिजिबिलिटी, मतलब वो तो कन टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 अक्टूबर को 17 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा ऑन द डेट कम्युनिकेटेड लेटर ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज लिमिटेड, हॉस्टल भी ऐसा नहीं है कि सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब गर्ल्स को तो मोस्टली मिल ही जाता है, बट वहाँ पर भी एक मेरिट लिस्ट लगती है। तो आपको वहाँ यूनिवर्सिटी में 17 अक्टूबर को रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर। सो फाइनली ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे LLM के लिए आप देख सकते हैं ये मेरिट लिस्ट है MA, ठीक है। उसके बाद ये आपका बाकी सबके लिए, आप अपना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप अपना यहाँ पे देखिए कि कितना मैक्सिमम गया है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर सभी मेंशन है। ये क्या हो गया, ये आ गया बायो केमिस्ट्री का, आ गया ये, आ गया हमारा केमिकल साइंसेस का। तो केमिकल साइंसेस में दीपांशु शर्मा, इवन जिसका सबसे आज मैंने रिजल्ट अपने चैनल पर शो किया था, सबसे पहला ही उस बच्चे का नाम है 228, सबसे पहला नाम है EWS कैटेगरी के अंदर। उसके बाद विकास 192, ठीक है। ये केमिकल साइंसेस मेडिसिनल केमिस्ट्री में इन्होंने अप्लाई किया था। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बच्चों के नाम, और आप यहाँ पर ये देखो अप्लाई 192, 184 जनरल कैटेगरी है ना, 172, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। उसके बाद ये मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात हो रही है, यहाँ MSc केमिस्ट्री में 229 जर्नल, देन आपका त्रिशा 217, ठीक है। तो ये मेरा जर्नल कैंडिडेट्स में 203 तक, ठीक है। उसके बाद दीपांशु आ गया अगेन EWS कैटेगरी में, ठीक है, EWS कैटेगरी में देखिए। उसके बाद अगर मैं OBC कैंडिडेट्स की बात करूँ तो OBC में 198 पर गया है ना। अभी पूरी बात सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से समझने वाली बातें यहाँ पे बहुत सारी हैं। उसके बाद SC ST कैंडिडेट 100 पर, ठीक है। जैसा मैंने अपनी वीडियो में भी यही बोला था कि भाई अगर SC ST कैंडिडेट है और अगर आपका 100 है तो आप अप्लाई कर देना। देखो यहाँ पे नेम भी है। अब ये OBC NCL की बात हो रही है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। जर्नल ये आ गया आपका स्पेशलाइजेशन इन अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए, ये MSc केमिस्ट्री होगा यहाँ तक। उसके बाद उनके लिए जिन्होंने अप्लाइड केमिस्ट्री में अप्लाई किया था, अप्लाइड केमिस्ट्री में देख सकते हो। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये अप्लाइड केमिस्ट्री का आ रहा है, इनका कट ऑफ देखना ST में 21 है ना, 96, 83, 91, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की हम बात कर रहे हैं। अब देखो एक ही बच्चे ने कितनी कितनी बार यहाँ पर अप्लाई कर रखा है, ये है आपका थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में, एक ही बच्चे ने कितने कोर्सेज में अप्लाई कर रखा है। अभी मैं आपको एक नॉर्मल सा दीपांशु की ही बात कर लीजिए, अभी दीपांशु बच्चे नहीं, दीपांशु शर्मा ने कहाँ कर रखा है MSc केमिस्ट्री, और ये 228 पे ये कहाँ लेने की सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मैं राजस्थान में लेना चाहता हूँ, ये राजस्थान में लेना चाहता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर बच्चे हैं जो यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं और वो यहाँ पर एडमिशन कराएंगे भी नहीं, या फिर वो यहाँ पर अपनी फीस भी पेमेंट नहीं करेंगे। अब मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, तो बेसिकली अभी एक मेरा चैनल पर अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आपको एक वीडियो नजर आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की लिस्ट आई है और अगर आपका इसमें नाम है, आपको 2 दिन दे रखा है एडमिशन के लिए, आपको 2 दिन में अगर आप फीस नहीं कराते हो तो आपकी सीट कैंसिल और अगले बच्चे को दी जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने अभी तक पोर्टल नहीं निकाला, किसी का भी अभी तक एडमिशन का लिस्ट नहीं आया, तो हम यहाँ पर कैसे श्योर हो सकते हैं, है ना, ये सबसे बड़ा क्वेरी, और इसी का मुझे आंसर आपको डिटेल में बताना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सिर्फ अभी तक इतना देख लीजिए कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, ठीक है। आपका लिस्ट में नाम है तो ठीक है, नहीं है तो वैसे भी आपको सुबह मेल आ ही गया होगा, मेल पर जाइए, वहां से लॉगिन आईडी करके देखिए पास कितनी फीस भरनी है आपको, आप ये तो चेक कर लो कि आपको फीस कितनी भरनी है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, उसके बाद आपको रात तक वीडियो मिल जाएगी कि
पर्टिकुलर अभी आपको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर इस वीडियो का एम था आपको मास्टर प्रोग्राम का प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बताने के लिए। इट्स अ लिस्ट नंबर 1.1, अभी 1.2 भी आएगी, 1.3 भी आएगी, 1.4 भी आएगी, चार लिस्टें आती हैं यहाँ पर। और आपका मैं बता रही हूँ बहुत आसानी से, क्योंकि कट ऑफ आप देख सकते हो, आइडिया लगा लो कि 90-80 इतने कट ऑफ पर, पहले ही बताया था पंजाब में आप कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी एडमिशन से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज रहेंगी वो सब यहाँ पर आपकी डिस्कस होती रहेंगी। थैंक यू सो मच।